हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं, उस कंपनी के अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो जो भी लोग यहाँ पे बिगनर हैं एंड अभी हाल ही में, मतलब ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट ही हुई है, तो जिन लोगों ने भी इस कंपनी को यहाँ पे बाई किया है या फिर अलॉटमेंट हुआ है, तो उनके लिए ये एक परीक्षा का टाइम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। तो इस परीक्षा में जो भी लोग यहाँ पे पास होंगे दोस्तों, वही लोग आगे यहाँ पे शेयर मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। बाकी के जो लोग दोस्तों हैं जो कि डर के मारे इस कंपनी को अगर सेल करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में वो शेयर मार्केट को भी यहाँ पे सेल मतलब शेयर मार्केट्स को भी यहाँ पे छोड़ करके निकल जाएंगे, लॉस में ही निकलेंगे, ये तो पक्का यहाँ पे तय है। क्योंकि अगर इस तरह की कंपनी में पेशेंस रख के, अगर आपके पास पेशेंस ना हो होल्ड करने का, कंपनी को रखने का, अपने पास पोर्टफोलियो में केवल रखना ही है, ठीक है, तो अगर इस तरह का पेशेंस आप नहीं दिखा पाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि आप लोग जब शेयर मार्केट को गुड बाय 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 बोल के, यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल के आगे निकल जाए, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपने कंपनी के ऊपर, जिससे रिलेटेड यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई है उसी वही खबर यहाँ पे अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो उसी को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे सीधा हम अपनी कंपनी टारसन प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे आ गए हैं। आपने यहाँ पे देखा कि हमारा जो मार्केट है आज हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिली, मार्केट हरे निशान में देखने को मिली। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो आज भी इसमें हम लोगों को 1.28% की गिरावट ही यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। दोस्तों, इस कंपनी में हम लोगों को जानबूझ करके ऐसा ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसमें जानबूझ कर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, वो लोग यहाँ पे अपने माल को सेल करके यहाँ पे निकल जाए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे, उन्होंने इस कंपनी को जिस भी लेवल पे यहाँ पे फ्रेश बाय भी किया होगा, मान लीजिए कुछ लोगों को तो अलॉटमेंट हुआ होगा, वो लोग भी घाटे में हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे फ्रेश बाय भी किया होगा, तो वो भी लोग अभी प्रेजेंट टाइम में घाटे में ही चल रहे होंगे। सो इसलिए इसमें जानबूझ कर ऐसे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे माल बेच के निकल जाओ। उसके बाद आप देखना कि इसमें आप लोगों को रैली देखने को मिलेगी। तो ये मार्केट में दोस्तों कुछ लोगों द्वारा ऐसी चीजें यहां पे की जाती है। वैसे देखा जाए तो ये एक कंपनी जो है दोस्तों, वो एक स्मॉल कैप टाइप के हम लोगों को कंपनी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह की कंपनियों में जो प्रेशर है वो आसानी से यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। जिनके पास थोड़ी ज़्यादा पैसे होते हैं दोस्तों, वो लोग इस तरह की चीज़ें यहाँ पे करते हुए हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जिसको ही यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स का नाम यहाँ पे दे देते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप इस कंपनी को लेकर के बहुत परेशान हैं और लॉस में चल रहे हैं, तो अभी जो चीज़ें यहाँ पे आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इस कंपनी को होल्ड करने के लिए एक को बोल सकते हैं कि डोज के रूप में यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि इस कंपनी का जो ओपनिंग है वो प्रीवियस लेस के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद से हम कह सकते हैं यह कंपनी नीचे गई। एंड उसके बाद से आप देख सकते हैं कि साइडवेज टाइप की यहाँ पे पैटर्न हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन लास्ट मोमेंट में हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे कंपनी ऊपर जाते हुए देखने को मिली, जो कि नॉर्मल चीज़ें, कोई भी ऐसी यहाँ पे बात नहीं है। देन दोस्तों, अगर इसके डिलीवरीज़ की भी यहाँ पे बातें करें, तो आप देखिए कि कल से भी ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी हम लोगों को उठते हुए, करीब उसी के आसपास ही डिलीवरी यहाँ पे उठते हुए हम लोगों को इसका देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन, पॉजिटिव साइन यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। देखा जाए तो इस कंपनी के और जितने भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हम पे हम लोग पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग सीधा न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे सीधा हम लोग न्यूज़ के ऊपर आ गए। देखिए, न्यूज़ तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम लोगों को जिसमें जो पॉइंट यहाँ पे काम किए हमारे, उसको ही यहाँ पे हम लोग बताने वाले। तो आप देख सकते हैं कि टारसन प्रोडक्ट लिमिटेड की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, तो इनका जो फाइनेंशियल्स है दोस्तों, वो देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोगों को बताया गया है एंड है भी, ठीक है। एंड यहाँ पे इनकी जो मार्जिन्स है वो भी इम्प्रेसिव, हम लोगों को वेरी इंप्रेसिव यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें, तो इनकी जो मैनेजमेंट है वो भी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हम लोगों को देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि
कंपनी के पास जो कैश फ्लो है वो स्ट्रांग कैश फ्लो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो डेट फ्री पोस्ट आईपीओ यहाँ पे हम लोगों को मतलब ये देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे जो बताए गए हैं, ठीक है, वो काफ़ी शानदार पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे इस कंपनी के पास है, जो कि इस तरह की कंपनियाँ जिसके पास होती है, जिनके पास ये सभी गुण होते हैं, ठीक है, जो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे वो कंपनी आगे चल के एक अच्छी कंपनी के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो वही मतलब आगे चल के वो चीज़ इसके भी साथ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए अभी जो गिरावट हो रही है, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि वो इसके वैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि धीरे धीरे यहाँ पे हो रही है। लेकिन देखा जाए तो अभी कंपनी यहाँ पे ज़्यादा गिरावट में देखने को मिल गई है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें रिकवरी बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें देखिए बताया भी गया है कि अगर आप लोग इस कंपनी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आराम से इसको होल्ड करके यहाँ पे चल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। एंड दोस्तों इसमें जो गिरावट हो रही है उसके रिलेटेड भी यहाँ पे देखिए चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन हुई है वो ठीक देखने को मिली, उसी के बाद से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि इसमें गिरावट हो रही है। एंड ये जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बड़ी इसलिए देखने को मिली है क्योंकि उनका इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे गिरावट हो रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयुष अग्रवाल जी द्वारा यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं मार्चेंट बैंकिंग एट स्वास्थिका इन्वेस्टमार्ट के, ये हम लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। सो दोस्तों देखिए सभी लोगों यही कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास टार्सन प्रोडक्ट लिमिटेड ये कंपनी है तो आप लोगों को इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, चाहे आप लोग यहाँ पे किसी भी लेवल पे इस कंपनी को बाय किए होंगे, ठीक है, सबसे टॉप लेवल पे भी जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है दोस्तों, उनके लिए भी यही कहूँगा कि आप लोग अगर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के व्यू से यहाँ पे देख करके इसमें एंट्री किए हुए हैं तो आराम से इस कंपनी को आप लोग होल्ड करके चले, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लोग इनका प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां आपको माइनस में देखने को मिल रही है, अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनियों की मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन इस कंपनी की प्रॉफिट हम लोगों को प्लस में देखने को मिल रही है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। तो सभी बेसिस पे सभी तरह से चाहे आप किसी से भी इस कंपनी से रिलेटेड आप अगर पूछेंगे तो दोस्तों वो यही बोलेगा कि अगर आप लोग इस कंपनी को चाहे जिस भी लेवल पर बाय किए होंगे तो आप लोगों को इस कंपनी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, ये आपके लेवल तक जरूर आएगी, 100% आपके लेवल तक ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी कुछ टाइम बाद, बस आप यहाँ पे होल्ड रखिए। एंड अच्छा खासा अगर रिटर्न्स यहाँ पे पाना चाहते हैं तो मिनिमम अगर आप लोग एक साल भी इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करते हैं तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपको ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन की यहाँ पे बात नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही यहाँ पे बोला है कि जो भी लोग जो बिगनर्स हैं इस कंपनी को यहाँ पे खरीदे हुए हैं तो अगर वो लोग यहाँ पे पेशेंस दिखाएंगे तो पेशेंस का फल उनको ज़रूर यहाँ पे ये कंपनी देगी। एंड अगर वो लोग यहाँ पे पैनिक में आकर के इस कंपनियों को यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है, तो वो लोग हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट को भी बहुत ही जल्द टाटा बाय बाय बोल करके निकल जाएंगे, ये आप लोग खुद भी देख लीजिएगा जो भी लोग इस तरह की चीज़ें यहाँ पे करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं आज फिर से आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोगों को इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे हो। देखिए ये जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे ये कंपनी खड़ी हुई है, अगर देखा जाए तो दोस्तों कल के दिन में अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 32% से ज़्यादा की यहाँ पे ये गिरावट हुई थी, आज भी अगर देखा जाए तो ये कंपनी हम लोगों को 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, मतलब मोटी मोटा हम कह सकते हैं कि 35% के आसपास ये कंपनी अपने लिस्टिंग के बाद से अभी तक यहाँ पे ये गिरावट में देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल रहा है इस कंपनी को यहाँ पे बाय करके चलने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस कंपनी को यहाँ पे ऐड करके चलिए, आपको अच्छा खासा वहाँ पे एवरेज बन जाएगा। मान लीजिए दोस्तों ये एक कोई फिगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई फिगर है, ठीक है, आप लोग
जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो गलती यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इस लेवल पे वो लोग कंपनी को यहाँ पे बाय करेंगे एंड जब कंपनी वहाँ पे गिर जाती है, इस लेवल तक आ जाएगी, ठीक है, तो पैनिक होकर यहाँ पे बेच देंगे। एंड इसका इसमें जो बीच का सफ़र है वो आप देखिए, ये जो बीच का सफ़र यहाँ पे, ठीक है ना, वो उसमें ये लोग होल्ड करेंगे, लेकिन जैसे ही कंपनी यहाँ पे टॉप जब नीचे का जो टॉप लगाती है तो वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, उसको सेल करके निकल जाएंगे। एंड जैसे ही सेल करेंगे उस कंपनी में वैसे ही एक रैली देखने को मिलेगी। एंड जब वो रैली फिर से टॉप पे आ जाएगी, उसके बाद उसी लेवल पे ये लोग फिर से यहाँ पे बाय करते हैं, देन कंपनी फिर से नीचे जाना स्टार्ट करेगी, देन वहाँ पे फिर से वो लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी होगा अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कंपनी अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, कंपनी ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है, सो आप लोग चाहे जिस भी कंपनी को यहाँ पे खरीदे हों उसको केवल बाय किए हैं अगर, तो होल्ड करके चलिएगा। को कंपनी कितना भी नीचे जाए, कंपनी लगातार अगर ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है, तो एक दिन आप लोगों को वो देखने को मिलेगा कि आप लोगों का जो पोर्टफोलियो होगा वो भी आप लोगों को प्लस में देखने को मिलेगा एंड अच्छा खासा रिटर्न्स आप लोग वहाँ पे कमा भी लेंगे। सो दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी जो कि आपको बतानी थी वो सभी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।